हेलो जी, हेलो जी। बिना माइक लगाए हेलो कर रहा था। भले हेलो 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 हेलो, हिलते हुए हेलो। आप लोग भी ऐसे हिलते हुए हेलो बोला करो, ठीक है? हाँ, सुबह से 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास से थक गए एकदम से। बिना खाए पिए सकन में 6 बजे, इधर 5:30 बजे उठते हैं, 6:30 बज जाते हैं, तब फ्रेश वेश होके तैयार व्यार होके आने में 6:30 बजे चलना शुरू करते हैं, 7 बजे यहाँ पहुँचते हैं। मतलब 10-15 मिनट लग जाते हैं हमको, टहलते हुए आते हैं ना। कोहरा इतना ज्यादा रहता है कि पूछो मत। उसके बाद फिर जो बोलना शुरू करते हैं तो थमने का नाम नहीं लेते बिना कुछ खाए पिए। उसके बाद फिर जब घर पहुंचते खाए बैठे रहते हैं। मम्मी कहती है चुप पे बैठे रहना, कुछ बोल मत देना। तो बताते हैं तुमको। उसके बाद शांति जो मिलता खा लेते हैं, उसके बाद पड़े रहते हैं। हाँ, इसको अच्छा। हेलो 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 एवरीवन, आपके समिट एंड कॉन्फ्रेंस का पूरा साल कवर करना है मुझे, जिस कारण से ये आज का पूरा अभी तक हमने जनवरी से लेकर के जून तक का देखा था, ठीक। आज हम जून से लेकर के दिसंबर तक में जो भी इम्पोर्टेंट समिट हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, उनको एक बार जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं, फिर शुरू करेंगे आपका मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज में मैं आपको लिस्ट के थ्रू बोलूंगी जो जो भी ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज रहेंगे जिनको आपको ट्रिक के थ्रू याद करनी है, उनको हम अलग से देखेंगे, और जो बहुत पुराने समय से स्टिल होते आए हैं उनको लिस्ट के थ्रू देख लेंगे, ठीक है? तो ट्रिक्स, टिप्स और आपके नोट्स, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज कहीं जा ही नहीं सकती है। मतलब हर साल कभी भी कुछ भी कहीं पे भी मिलिट्री एक्सरसाइज देना हो आपका, एग्जाम में पूछ ले तो वहीं पे आप अगर एक बार पढ़ लिए हो, नोट्स तैयार हैं आपके, तो उसी से पूछा जाएगा, लिख के ले लेना मेरे से, ठीक है? हाँ जी, वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या? बताएं, मतलब बातों में दिक्कत है। मोस्ट आज क्या है? आज 29 तारीख है। क्या है आज? साउंड ठीक है? देखिए, आज कुछ खास है क्या? क्या है आज? क्या है आज? ठीक है, हाँ जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर दिए हैं, किसी पढ़ाओ बात मत करो, तो ये करते हैं यार, सही बात है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, और आपका क्वेश्चन पहला सामने है। कुछ नए क्वेश्चन हैं, कुछ पुराने हैं, तो उनपे थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सुरक्षा और स्वास्थ्य के 23वें विश्व कांग्रेस का आयोजन, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक समिट आयोजित की गई थी, जिस समिट का नाम रखा गया है विश्व कांग्रेस ISSA विजन 0, ठीक है, 2023। तो ऑस्ट्रेलिया में जो सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के समिट थी विजन 0 2023, ये किसने आयोजित की है, ठीक है? किसने आयोजित की है? तो एक कंपनी है आपकी, एक संस्था है आपकी, ESIC, ठीक है? ESIC, इसके अंतर्गत इस पूरे समिट को आयोजित किया गया था। ESIC है क्या, इसको समझ लो। यहाँ पे है क्या कि ESIC ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक कंपनी है, जो कि काम, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो आपकी सुरक्षा, मतलब कि आपके आपके प्रोटेक्शन को लेकर के, मतलब कि कोई भी आप आके आपको मारपीट नहीं कर सकता, कहीं पे भी ऐसी कोई मशीन स्थापित नहीं की जाएगी, या फिर मशीनों को ऑपरेट करना आपको सिखाया जाएगा जिससे आपको नुकसान ना हो। आपकी अगर हेल्थ खराब होती है तो उस टाइम पे आपको स्पेशल छुट्टी दी जाएगी। हेल्थ के लिए थोड़ा सा कंपनी आपको कंपनसेशन भी करती है, कंपनसेट करती है, मतलब पैसे भी देती है ना। तो इन चीजों को बनाए रखने के लिए एक समिट बुलाई गई थी, कहाँ पे? आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत इस पूरे समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। कंपनी का जो मेन थीम था वो था विजन 0, ठीक है? मतलब कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम आपके विजन 0 2023, इसका थीम था इस बार 2023 का। देखो यार मुन्ना, यहाँ पे ऐसा है कि अगर चश्मा हटा दें दिखना बंद हो जाएगा, तो बिना देखे तो हम पढ़ा सकते नहीं है,
तो जब आंखें नहीं रहेंगी तो चश्मा लगाने ना लगाने का क्या मतलब। तो अच्छी लगूं ना लगूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा जैसी वैसी रहूंगी, है ना। हाँ जी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलिए, तो वही चीज आपको हिंदी में भी लिखी मिलेगी, वही चीज आपको इंग्लिश में लिखी मिलेगी, ठीक है। दोनों ही आपके बायलिंगुअल हैं, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं है। जो चीज हिंदी में लिखी हुई है वही चीज आपकी इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 59th नंबर के फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो 59वां मतलब कि 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर ऑर्गेनाइज एट विच फॉलोइंग प्लेस, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है आपके नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। यहाँ पे है क्या कि अभी ना हम फर्टिलाइजर के एरिया में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ आपके बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा सेक्शन है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में हम जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उनका यूज करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अब भारत में कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं जो कि मान लीजिए कि आपके पास पाँच किलो का एक पूरा यूरिया रखा हुआ है, ठीक है। तो उस पांच किलो के यूरिया को रिप्लेस कर सकता है नैनो फर्टिलाइजर का एक ढक्कन फर्टिलाइजर, ठीक है। इतनी ज्यादा शक्ति होती है नैनो टेक्नोलॉजी के उस फर्टिलाइजर में। तो उस चीज को रिप्लेस करना है, कैसे करना है, क्या नीति होनी चाहिए, क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, किसानों के लिए क्या हेल्थ बेनिफिट रखने चाहिए, है ना। तो उसके लिए समिट बुलाई गई थी कहाँ पर, आपके नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा क्या। तो एक काम कर सकते हो, मैं यहाँ पे निष्पक्ष होते हुए बोलूंगी, अगर रीजनिंग की क्लास चल रही है, मेरी बात समझ लेना, ये क्लास आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, यहाँ पे आप चीजें याद करनी है आपको, लेकिन रीजनिंग समझना है तो समझने पे ज्यादा फोकस करना। इसलिए जो बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तुरंत मूव कर जाओ, क्योंकि रीजनिंग समझने वाला सब्जेक्ट है। उसी टाइम पे जो टीचर से आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो वो समझा देंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तुरंत मूव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ जी, पीडीएफ इसका मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लास ज्वाइन किए वहीं पे पीडीएफ अपलोड होगी, ठीक है। हाँ जी, तो कहाँ पे हुआ है, आपके नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है हमारे इस टाइम पे, मनसुख मंडाविया जी हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में आपके 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। यहाँ पर 14 करोड़ किसान परिवारों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने, कृषि संबंधी गतिविधियों पर सुधार बढ़ावा देने और उर्वरक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ये पूरा जो समिट था ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अब बाकी मैंने बता ही दिया है कि अब हम फर्टिलाइजर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वाईटी हो रहा है, अच्छा वाईटी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूट्यूब में क्लास चल रही है देन ओके, नहीं तो पेड का अगर सेक्शन है तो फिर दिक्कत है, है ना, वहां पे नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। हाँ जी, देखो तो विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है आपके नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अब ये निवेश सम्मेलन क्या होता है, जैसे अभी आपने G20 देखी थी, G20 में जितने भी G20 के सदस्य देश हैं, मतलब कि 19 देश और आपका यूरोपियन यूनियन, उसके अंतर्गत तो जितने भी अलग अलग देश हैं वो आ करके भारत में बैठे एक जगह, जैसे कि भारत मंडपम ले लीजिए, तो उन देशों की भागीदारी भारत के साथ है, ठीक है, क्योंकि होस्ट भारत ने किया था G20 समिट को। तो सारे देशों की जो फेमस इंडस्ट्री है वो सारी इंडस्ट्री भारत में आके काम करना शुरू करें, इसकी अगुवाई किसने की, इसकी अगुवाई की प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सब सारे देशों से कहा कि हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी कंपनियां हमारे भारत में भेजें। इसके अलावा भारत का जो टूरिज्म का एरिया है उसको बढ़ाना है, जैसे कि खजुराहो मंदिर देख लीजिए आप, सिद्धि विनायक मंदिर देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे फेमस मंदिर है, है ना। हमारा साउथ इंडिया का जो टेम्पल का क्षेत्र वो काफी विकसित है, कोणार्क मंदिर देख लीजिए। तो इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में बता करके उन्होंने कहा
कहा कि आप अपने अपने देशों के नागरिकों को बोल सकते हो कि भारत जाओ, घूम के आओ, ठीक है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना है, हमें इंडस्ट्री बढ़ानी है, हमें नए नए रोजगार लेके आने हैं, एआई पे एआई का रोजगार, सॉरी एआई का मतलब एक टेक्नोलॉजी का जो एरिया उसको विकसित करना है। तो एक तरीके से आप हमारे ऊपर खर्च करो, ठीक है। हाँ जी, आप हमारे ऊपर खर्च करो, हम उनका दुगना देंगे आपको, ठीक। तो ये था आपका निवेश सम्मेलन, दूसरे देश भारत में पैसा लगाएंगे और भारत उनको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ, आपके दिल्ली में, अलग से फिर निवेश सम्मेलन बुलाया गया था। और ऐसा ही आपका जो बिहार का पटना है, ठीक है, हमारे बिहार का पटना है, वहां पे अलग से निवेश सम्मेलन केवल और केवल बिहार राज्य के लिए आयोजित किया गया था, जहाँ पे निवेश के अलग अलग संसाधन विकसित किए गए और बिहार के पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। आगे चलिए, तो 13 दिसंबर को कार्यवाही के दशक व्यापार और निवेश की भूमिका विषय पर आधारित पूरा सम्मेलन था आयोजित किया गया था। 11 से लेकर के 13 दिसंबर तक इसका आयोजन होना था, आपके नई दिल्ली में हुआ है। और इसकी शुरुआत अगर बोली जाए तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एजेंसी के अंतर्गत की गई थी, जो कि 1995 में जिनेवा में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये इसका प्रोफेशनल एरिया है, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे केवल पूछा जाएगा कि विश्व निवेश सम्मेलन 2023 में कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में, आपके बिहार में कहाँ पे हुआ, तो पटना में, ठीक है, पटना में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि किस स्थान पर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कल शायद हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन कहां पे होगा, लिखना पड़ेगा, अरे नहीं लिखना पड़ेगा, जो ये पीछे लिखा हुआ ना इसको सिर्फ रीड करो। जब भी पीडीएफ आपके पास आती है, स्मार्ट वर्क यही करता है, कहता है कि अगर आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे रीड कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ को 2 से 3 बार जब भी मन करे, खाली समय में, बस में ट्रेवल कर रहे हो, स्कूटी में बैठे हो, पीछे मतलब चलाना रहे हो, और कहीं पे भी लगे कि यार कहीं पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पीडीएफ ओपन की एक बार रीड कर ले, खत्म काम, ठीक है। सिर्फ रीड कर लेंगे तो भी चलेगा, याद नहीं करना, रीड कर लो उत्तम काम हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन। अब 2023 से बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिला है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारा भारत ऐसा 5वां देश है विश्व का जो सबसे ज्यादा निवेश करता है, ठीक है, एआई तकनीक पे। तो इसी के लिए प्रोग्राम, ये एक समिट बुलाई गई थी कहाँ पे, तो समिट बुलाई गई थी आपके नई दिल्ली में। जब भी कोई बड़े लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे समिट होती है, वो नई दिल्ली में ही होती है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, क्योंकि राजधानी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा विकसित एरिया राजधानी होता, चाहे आप राज्य का देख लें, चाहे आप भारत देश का देख लें, ठीक है, किसी भी देश का देखो। तो कहाँ पे हुई थी, आपके नई दिल्ली में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे समिट हुई थी आपके नई दिल्ली में। इसके अलावा अभी एआई हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब कहाँ पे बन रहा है, आपके आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रहा है। एआई के निवेश में भारत की भागीदारी वैश्विक स्तर पे कौन सी है, 5वीं है। आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है मेरियम वेबस्टर आपके डिक्शनरी ने, ठीक है, मेरियम वेबस्टर यूनिवर्सिटी है आपके फॉरेन में, फॉरेन की, और उस डिक्शनरी ने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर एआई शब्द को चूज किया है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 5वां कि COP28 का आयोजन किस देश में किया गया है। देखिए, जहां पे भी आपको लग रहा है ना कि वीडियो नहीं चल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा रिज्वाइन करके देखो, क्योंकि ठीक है, इसको ध्यान रखिए। क्या हुआ, थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो सकती है, लिखा वो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, है ना। हाँ जी, ठीक, हाँ जी। तो COP28 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, जिसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र की रेस टू रेजिलियंस में शामिल होने की घोषणा की है। अगर इसका आंसर आप गलत दे रहे हैं, मतलब आपका पढ़ने मन नहीं लग रहा था, है ना, तो काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, मुझे अच्छा लगा देख के। इसका आंसर आपका संयुक्त अरब अमीरात। मैंने जब से समिट पढ़ाना शुरू किया, मैंने इस क्वेश्चन में बहुत फोकस किया था कि संयुक्त अरब अमीरात में इस बार 2023 में COP28 सम्मेलन हुआ था। COP28 की जो समिट है वो आपके क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जलवायु परिवर्तन पे फोकस करती है ना। पूरे विश्व में सिर्फ एक COP28 समिट है जो कि
केवल और केवल पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के ही आयोजित की जाती है, चाहे वो कभी भी हो। अगले साल 2024 में जब COP29 की मीटिंग होगी, स्थान चेंज हो सकता है लेकिन उद्देश्य चेंज नहीं हो सकता, ये पर्यावरण प्रोटेक्शन पे ही काम करती है। ठीक है, हाँ जी। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के समिट हुई थी आपके संयुक्त अरब अमीरात में, इसी के अंतर्गत, इस पूरे समिट के अंतर्गत एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रोग्राम का नाम है रेस टू रेजिलियंस। ठीक है, आपके रेस टू रेजिलियंस, ये प्रोग्राम ऐसा है कि उन देशों की भागीदारी ली जाती है जो देश पर्यावरण प्रोटेक्शन में अच्छा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा भारत टॉप पे चल रहा है। तो भारत को रेस टू रेजिलियंस में शामिल किया गया है 2023 में, और ये बोला गया है कि आप बाकी देशों को सिखाइए कि पर्यावरण प्रोटेक्शन करना कैसे है। ठीक है, हाँ जी। तो भारत इसमें इस बार वैश्विक भागीदारी का एक अच्छा पार्टनर बना है, इसका अध्यक्ष भी चुना गया है भारत को। ठीक है, हाँ जी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि 5वें विश्व स्वच्छ पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। AI क्या होता है? AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा, जैसे कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करना चाहते हो, कि जैसे आप चाहते हो कि हमारे हमारे सर पे कितने बाल होते हैं, तो अभी तक इसका आंसर कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं दे सकता जब तक कि आप गिन ना लो, स्पेशली मेरे बाल जितने लंबे होते हैं हिसाब से। लेकिन अगर आप AI से पूछोगे कि एक ह्यूमन की बॉडी में कितने बाल होते हैं, होल बॉडी में और आपके सर में, वो दोनों का आंसर देगा। अगर आप चाहो कि आपके पास, जैसे कोई आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर क्या क्या, कैसे कैसे PPT आप बना सकते हो, इसकी सिर्फ आपको सर्च करना है कि हाउ टू मेक स्लाइड फॉर अर्थ। ठीक है, या फिर अर्थ के ऊपर, जो भी है इंग्लिश में देख लेना। तो जैसे आप सर्च करो, पूरी स्लाइड आपके सामने लेकर के शुरू कर देगा लाना, कि ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते, मतलब कि आप जो भी जानकारी चाहते हो वो सारी जानकारी वो आपको इंटरनेट के थ्रू उपलब्ध कराता है। तो ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही काम हो रहा है, है ना। ये सारी आपकी AI तकनीक ही विकसित करी, जैसे हम रोबोट बनाते हैं तो रोबोट बनाने का भी एरिया आपकी AI का ही है, है ना। हाँ जी, कहाँ सर्च करना है, हो गया मूर्त, हो गया। हमने कितनी बार कहा है कि सारा लाइट का कमाल है, अभी 3 लाइट बंद कर देंगे सारी असलियत सामने आ जाएगी, बता रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये कहाँ पे हुआ है, इसका आयोजन हुआ है आपके पटना में। ठीक है, क्या है, तो 5वें विश्व स्वच्छ पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, हमारे पर्यावरण में। वही पर्यावरण प्रोटेक्शन को लेकर के समिट हुई थी, है ना, कैसे हमें अपने वृक्षों को बचाना है, वृक्षारोपण करना है, सारे उपाय लिए थे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ग्लोबल आइडिया AI 2023 का आयोजन कहाँ कब किया गया, तो ग्लोबल इंडिया AI, ओके, ग्लोबल इंडिया AI मतलब कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक समिट हुई थी। कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके अक्टूबर में। कहाँ पे हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे आपने बहुत सारे ड्रॉबैक भी देखे हैं, जैसे कि अब ऐसी ऐसी तकनीकें आ चुकी हैं कि आप अपना फेस दूसरे लड़की के फेस में पेस्ट कर सकते हो, दूसरी लड़की का फेस तीसरे पे पेस्ट कर सकते हो, है ना, मतलब कि एक लड़की को दूसरी लड़की में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने आप को, जैसे मान लो मैं बदसूरत हूँ, ठीक है, बदसूरत तो मुझे, मैं गोरी भी हो सकती हूँ। अब ऐसी तकनीकें भी आ गई हैं कैमरे के थ्रू, डिजिटल चीज़ों के थ्रू। मैं अगर लूली लंगड़ी हूँ तो मेरे पैर भी आ सकते हैं, रियल में नहीं, मतलब कि फोटो वगैरह में जो भी है इस हिसाब से। तो ये सारी AI के मतलब कि कुछ यूजेस हैं और कुछ ड्रॉबैक भी हैं। आप इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो किन किन एरिया में गलत इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर गलत इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं, इनके उपायों पे काम किया गया है। ठीक है, बात की गई है कहाँ पे, तो अक्टूबर में समिट हुई थी नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। हाँ जी, आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया था, जिसमें सांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबाना क्या है कि लिखा हुआ PDF मैं पूछी थी, मैंने कल कहा था ना कि हमारी एक छोटी सी मीटिंग हो रही है जिसमें इस मुद्दे पे बात की जाएगी, तो उस वहां पे इस मुद्दे को उठाया गया, और यहाँ के लिए थोड़ा सा नोन था ये मुद्दा, उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा तकनीकें वो करनी पड़ेंगी और तब कहीं जाकर काम करना शुरू करेगा। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे अगर मैं उन चीज़ों को अप्लाई करती हूँ PDF फॉर्म करने के टाइम पे,
तो आपका लिखा हुआ चला जाएगा। तो आज देखते हैं, अगर लिखा हुआ जाता है तो फिर हो जाएगा, ठीक है, बाकी काम चलेगा इसके ऊपर। हाँ जी, सारे पीडीएफ, सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं, है ना। हाँ जी, तो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसमें सांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन पुरस्कार मिला। तो भी ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ये हुआ है आपके रशिया में, ठीक है, रशिया में। सांता थोटम क्या करती हैं, तो सांता थोटम जैसे जो इनोवेशन होते हैं ना, नए नए तकनीकों को विकसित करना, जैसे घर में पहले पानी के पंप नहीं हुआ करते थे, ठीक है, उसमें हमें जैसे जल नल का कनेक्शन आता था, तो नल के कनेक्शन में हम जैसे पानी का नहीं एक वो होता है, पंप होता है, पंप को ऐसे अगर आप वो कर दिए तो बंद हो गया, ऐसे कर दिए तो चालू हो गया। तो ये एक तरीके से इसको विकसित किया गया ना, पहले तो नहीं था। मान लो छोटी छोटी दैनिक यूजें होती हैं, है ना, डेली दिनचर्या में जो हम इस्तेमाल करते हैं तकनीकों को, तो इन्होंने उन तकनीकों पे काम किया है, ठीक है, सांता थोटम ने। तो रशिया में एक समिट बुलाई गई थी ब्रिक्स इनोवेशन फोरम की, जिसमें इन्हें अवार्ड दिया गया, ठीक है, अवार्ड मिला। तो 27 से लेकर के 29 अगस्त तक मास्को रूस में आयोजन हुआ था। सांता थोटम तेलंगाना की है। नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को इन्होंने विकसित किया है, नए नए उपाय दिए हैं आप कैसे अपने परेशानियों को हल कर सकते हैं, समस्या परेशानियों को, तो उसके लिए वो किया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मेन क्वेश्चन पे फोकस करना। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, ठीक है, ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स लिखा कुछ ऐसा जाता है, ब्रिक्स में 5 देश जो शामिल हैं, बी से आता है आपका ब्राजील, आर से आता है आपका रशिया, आई से आता है आपका इंडिया, सी से आता है आपका चाइना, और एस से आता है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की अगर स्थापना की बात की जाए तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है, 2009 में, और पहली जो समिट हुई थी, तो पहली समिट हुई थी आपके 2010 में, और पहली समिट में हमने साउथ अफ्रीका को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका को एक्सेप्ट किया था, नहीं तो पहले ब्रिक्स सिर्फ ब्रिक के फॉर्म में जाना जाता था। बाद में जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तब इसका नाम पड़ा ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर पड़ता है आपके संघाई चीन में, ठीक है, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्रिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है, सबसे बड़ा चीज जो ब्रिक्स से पूछा जा सकता है वो ये है कि 15वां जो ब्रिक्स समिट है, ठीक है, आपका जो ब्रिक्स समिट है वो 2023 में कहाँ पर हुआ है, 2023 में, तो ये हुआ है आपके साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो ये एडिशन ध्यान रखिएगा, हुआ कहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, आगे चले, आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि किस देश में G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि G7 से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कई बार तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि G7 में कितने कंट्री मेंबर हैं, है ना, क्योंकि 7 ही देश हैं, तो 7 देश कौन से हैं पूछ लेता है। तो G7 देशों में व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, तो ये हुई है जापान में। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि G7 ये है क्या, तो G7 7 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, जैसे हम ग्रुप ऑफ 20 देखते हैं ना, तो ये ग्रुप ऑफ 7 है। तो ग्रुप ऑफ 7 में कौन कौन से देश हैं, तो देश है आपका 7, पहला है आपका कनाडा, ठीक है, कनाडा, दूसरा आपका फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, इटली, जापान, आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन या यूके आप बोल सकते हैं, उसके बाद आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो ये आपके 7 ऐसे देश हैं जो कि ग्रुप ऑफ 7 का निर्माण किए हैं, और ग्रुप ऑफ 7 में जब और देश आकर के मिलना शुरू हुए तब निर्मित हुआ आपका G20, ठीक है। तो G20 का बेस है आपका G7। G7 में कौन कौन से देश हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका, ठीक है, यूके और अमेरिका, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ आपकी अगर स्थापना की बात की जाए तो G7 का फॉर्मेशन 1973 में हुआ था, और 2023 में जो G7 के जितने भी देश हैं उनके जो मंत्री हैं, है ना, उनके जो मंत्री हैं
जो पूरा G7 देखते हैं, उनका मीटिंग कहाँ पे था, उनकी बैठक कहाँ पे थी? तो वो बैठक आयोजित हुई थी आपकी जापान में, ठीक है, जापान में। ये आपका मेन क्वेश्चन है। इसका काम क्या है G7 या फिर G20 का? सबसे बड़ा मोटो पता क्या है कि इसके अंदर जितने भी देश हैं, चाहे G7 के 7 देश हों चाहे G20 के 20 देश हों, ये देश आपस में मिल करके ट्रेड को अच्छा करते हैं, अपने मतलब कि इकोनॉमी को बेहतर बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जो राजनीतिक संबंध होते हैं, पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं, इशू होते हैं, उनको सॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है, एक तरीके से पड़ोसी पड़ोसी हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये ऐसा जा रहा है। चंदन चंदा जा रहा है। MD मैंने कई बार कहा है, आप लोग कमेंट में ऐसे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मेरा ध्यान यहाँ पे होता है, ना कि कमेंट में, ठीक है। हाँ इंडिया बहुत पहले ही मेंबर था। अच्छा G7 का, भारत G7 का सदस्य नहीं है, है ना, भारत G20 का सदस्य है। अब तुम लोग कमेंट ही कर लो, अब राम जाने, मैं पहले पढ़ा लूं उसके बाद कमेंट ले लूंगी, ठीक है। हाँ जी इसमें आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये हमारे पूरे भारत में आपका जो NTCA, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये एक ऐसी अथॉरिटी या फिर एक ऐसी संस्था जो कि पूरे भारत में बाघों की सुरक्षा को लेकर के काम करती है, ठीक है। भारत में कहाँ पे कितने बाघ हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर का कंजर्वेशन होता है, उनकी उनका नंबर कितना है, वो कितनी संख्या में जन्मे हैं, कितनी संख्या में मरे हैं, इन सब का डाटा अगर कोई रखता है तो वो है आपका आपकी NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। तो इसका भी एक पूरा समिट बुलाया गया था, कहाँ पे? तो समिट बुलाया गया था आपके नई दिल्ली में, और NTCA की हर बार जब भी समिट होगी वो होती है आपकी नई दिल्ली में। बस एक ऐसी समिट थी जो कि 2022 में आपके अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, और वो NTCA की पहली ऐसी समिट थी जो कि दिल्ली से बाहर हुई थी, ठीक है। बाकी सारी समिट आपकी NTCA की दिल्ली में ही होती है, ठीक है। तो ये आपके साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, ठीक है, मार्जिन्स टू द सेंटर, इस थीम पर एक NTCA की बैठक कहाँ पे बुलाएगी, आपकी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और इसी NTCA ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी अभी 2023 में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस NTCA की रिपोर्ट को पब्लिक किया था, जनता के सामने रखा था, कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में खड़े होकर के, कि मैं 75 साल का, हम आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, और पूरे एशिया क्षेत्र में भारत में अकेले 75% बाघों की आबादी ऐसी है, ठीक है, भारत में है। तो उसकी रिपोर्ट आई थी आपके बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से, NTCA ही रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो बाघों की आबादी है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहां पे करीब 786 बाघ हैं। अगर हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 3000, ठीक है, 3167 बाघ हमारे भारत में निवास करते हैं, ऐसा अभी 2022 के रिपोर्ट में NTCA ने बताया है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी जानकारी NTCA देता है। NTCA आपके 1973 के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था उसी के टाइम पे इसको स्टेबल किया गया था, ठीक है। हाँ जी, तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई? इंडिया में बताए ना, 3167 टाइगर भारत में है। ठाकुर जी, ये क्लास आप कहीं पे भी देख रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ जी, तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपके नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया में क्या हुआ, तो भारत के नई दिल्ली में हमारे जितने भी अलग अलग राज्य हैं या फिर यूनियन टेरेटरी हैं,
सारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट से कुछ लोग आए थे अपने अपने स्टेट के जो वर्ल्ड फेमस फूड होते हैं ना उनको लेकर के, और पूरी दुनिया से कुछ ऐसे G20 के मेंबर या कह लें बहुत अलग अलग टूरिस्ट आते हैं, वो आकर के नई दिल्ली में एक छोटी सी समिट बुलाए थे जहाँ पे उन्होंने खाना खाया कि भारत की ये वैरायटी अच्छी लगती है, ठीक है ऐसा करके। तो सिर्फ क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक। अगला देखो, अगला है आपका कि किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। तो फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पे हुआ, आपके तेलंगाना में। नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, छोड़ देना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है मसीन कैंसी शिखर सम्मेलन, कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था, मसीन कैंसी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है आपके संयुक्त अरब अमीरात में। मसीन कैंसी शिखर सम्मेलन ये आपके COP28 के अंतर्गत ही हुआ था, कल के करंट अफेयर की क्लास में, सॉरी कल के समिट एंड कॉन्फ्रेंस की क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ जी, अगला देखिए, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, कल हमने ये भी देखा था। तो 42 वाला जो आसियान समिट है कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपके इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कल इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था आसियान का पूरा फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, ये रही बात। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि किस स्थान पर पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो जो भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं तो उन पेड़ पौधों को कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, सॉइल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो इन सारे मुद्दों पे एक छोटी सी समिट बुलाई गई थी। कहाँ पे, तो समिट हुई थी आपके हैदराबाद में। नाम क्या था समिट का, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, याद रहे तो ठीक है, छोड़ देना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि 15वें राष्ट्रीय जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें है क्या कि कैसे हम अपनी ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए नियम ला सकते हैं, रूल ला सकते हैं, जैसे पेसा एक्ट होता है ना, पीसा एक्ट होता है, अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो पॉलिटी में पीसा एक्ट के बारे में बताया जाएगा। जो भी जैसे गांव के लेवल पे जो भी जनजाति बहुल क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे उनका ग्राम पंचायत का जो रूल रेगुलेशन वो कैसा होना चाहिए वो खुद जनजाति समुदाय डिसाइड करता है, ठीक है, ये सारा काम पीसा एक्ट के थ्रू होता है। तो उसे और कितना बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए छोटा सा एक समिट बुलाया गया था। कहाँ पर, तो ये हुआ था आपके चेन्नई में। इसका नाम क्या है, तो 15th एडिशन है आपके राष्ट्रीय जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम का, है ना, और कैसे हम जनजातीय जो युवा हैं उनको हम अपने संसद भवन तक ला सकते हैं, अपने देश को चलाने में उनकी भागीदारी रख सकते हैं, इसके लिए भी छोटा सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। आगे देखो, अगला है आपका वैश्विक मत्स्य सम्मेलन, कल भी हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन कहाँ पे हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है आपके अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पोत परिवहन जलमार्ग जहाजरानी मंत्री हैं सबनन सोनेवाल, वो भी उपस्थित थे, और हमारे भारत में जो आपके फिशरीज मंत्रालय है या फिर कह लें कि केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय है उसको संभालते हैं पुरुषोत्तम रूपाला, कहाँ गए, ये हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो इन दोनों की अगुवाई में 22 नवंबर 2023 को एक छोटा सा समिट बुलाया गया था आपके, जैसे हम कहेंगे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, या फिर ग्लोबल फिशरीज समिट आपके अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में, जिसमें हम हमारे हिंद महासागर से जितनी भी मछलियां प्राप्त होती हैं उन मछलियों को हम किस दूसरे देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, भारत में कौन कौन से इलाके जहाँ पे सबसे ज्यादा मछली की खपत होती है, ये या फिर भारत के कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मछलियों की खेती की जाती है। खेती का मतलब ये नहीं कि मछलियां पेड़ में उगती हैं, मछली पालन का काम होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी चीजें कहाँ पे हुई हैं, ये हुई हैं आपके अहमदाबाद में। और इसी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है मछली पालन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, इसके लिए उत्तर प्रदेश को अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है, अवार्ड भी दिया गया है। अजीत पीडीएफ आप जहां से क्लास ज्वाइन किए ना उसके बगल से ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अगला देखो, अगला है आपका कि किस देश में एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग आपकी एपेक्स समिट हुई है। तो एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग समिट यहाँ पे है क्या कि जैसे ये पूरा हमारा हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में हमारा भारत पड़ता है, है ना, हमारा भारत है, आपका साउथ अफ्रीका का सेक्शन आता है, आपका श्रीलंका भारत के नीचे है, श्रीलंका आपकी अगर बात करें तो वियतनाम, थाईलैंड, आपका न्यूजीलैंड, है ना, आपका म्यांमार, सिंगापुर, ये सारी चीजें आपके हिंद महासागर के तटीय देशों में आएंगी। तो इन सारे देशों के बीच में
ट्रेड को कैसे बेहतर करना है इसको लेकर के ये समिट होती है ना, ये समिट होती है। तो एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग समिट की मछली हम कितने एरिया में पकड़ सकते हैं और कितने एरिया में भारत सरकार का अधिकार होगा, कितने एरिया में अलग अलग देशों का अधिकार होगा, ये सारे अधिकारों की बात यहाँ पे चलती है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? तो हुई है आपके अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कैलिफोर्निया में। आगे चलो, अगला है आपका 16वां गति, मतलब कि 16वां शहरी गतिशीलता भारतीय सम्मेलन। तो हमारे जितने भी भारतीय शहर हैं, स्पेशली जितने भारत के महानगर हैं, है ना, महानगर, जैसे हमारे बिहार में पटना हो गया, ठीक है, आपके पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, है ना, तो जितने भी महानगर हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर हो गया, तो इन महानगरों को हम और कितना डेवलप कर सकते हैं, है ना, उसको लेकर के बात की गई है। कहाँ पे समिट हुई है? तो समिट बुलाई आपके नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में पूरी समिट बुलाई। यहाँ तक ठीक? पहले नए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पुराने क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, अगला देखो आपका 23वां क्वेश्चन है कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, इसको याद रहे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, इतना नहीं पूछेगा। तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, तो पैसिफिक मतलब कि प्रशांत क्षेत्र को ये बता रहा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र का जो इलाका है उसमें कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उसके लिए छोटा सा समिट बुलाया गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। सारे का आंसर तो नई दिल्ली यार, अब क्या बताएं, दिमाग खराब की बैठा है दिल्ली, है ना, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नई दिल्ली, छोड़ देना। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके, ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है आपके मुंबई में, ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका इसका हेड, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आपके सर्वानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला देखो आपका P20 शिखर सम्मेलन, P20 ये G20 जो समिट हुई थी ना, उसी G20 के एक छोटे से पार्ट में आपका पार्लियामेंट्री समिट हुआ था। जब G20 पढ़े तो ये पढ़ाया था मैंने, तो पार्लियामेंट्री समिट जितने भी अलग अलग देश हैं G20 के, उनके पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं, स्पेशली लोकसभा के जो हेड होते हैं, उनकी समिट थी। कहाँ पे? तो ये समिट बुलाई गई थी आपकी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, कि हम अपने संसद को और कितना बेहतर बना सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, आगे चलो, सहकारिता, भारत के वैसे सहकारिता मंत्री कौन है बताओ? तो भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अक्षत कह रहे सोनम मैम। नहीं, सबके आंसर दिल्ली मत लगाना। हाँ, बस ये है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समिट है और आप कंफ्यूज हैं कि क्या टिक कर दें, तो दिल्ली टिक कर सकते हो, है ना, बाकी एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ऑप्शन दे दें, बड़े खतरनाक हो यार। भारत के हमारे पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। ठीक है, और भारत में अभी सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ही पिछले 2 सालों में हुई है, तो पहले सहकारिता मंत्री होंगे हमारे अमित शाह। ठीक है, ऐसे ही भारत के पहले CDS, पहले CDS का पोस्ट ही नहीं था, अभी 2022 में CDS का पोस्ट बना था, और पहले CDS थे आपके क्या नाम था उनका, कैसे भूल सकती हूँ मैं, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, हाँ जी, अब बने हैं अनिल चौहान, वो दूसरे CDS हैं। ठीक है, हाँ जी, लिख देते हैं भारत के पहले तो सहकारिता के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजोत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। सहकारिता पता क्या सिखाती है? सहकारिता का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के सहयोग से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे का सहयोग, जैसे केंद्र स्तर पर आपके कोई भी बड़ी एजेंसी या संस्था काम करती है, तो उसे राज्य स्तर पर लेके जाना,
राज्य स्तर पर कोई बेहतर काम हो रहा है उसको केंद्र स्तर पर लेके आना, तो ये एक सहकारिता का सेक्टर है, ठीक है, सहयोग की भावना को बढ़ाना। तो यहाँ पे हमारे भारत की जितनी भी पुरानी बीजें हैं, है ना, फसलों की पुरानी बीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और नई और उन्नत जो बीजें हैं, जैसे कि कंफ्यूज हो जाओगे यार, उन्नत बीजें मतलब कि जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं ना, जीएम क्रॉप्स, जैसे कि हाइब्रिड बीजें होती हैं, ज्यादा समझोगे हाइब्रिड बीजें, तो हाइब्रिड बीजों को हम कैसे ज्यादा ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे आप बिहार में देख लीजिए, तो बिहार की गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको कहा है कि आप गन्ने और मक्के की खेती को हाइब्रिड बीजों के माध्यम से करिए, मक्के की खेती में हाइब्रिड बीज उपयोग करिए करिए, अब गन्ने की जो नई हाइब्रिड प्रजाति आई है उसको लगाना शुरू करिए, ठीक है। तो एक छोटे से एरिया में आप ज्यादा ज्यादा फसल उगा पाएंगे, तो ये होते हैं हाइब्रिड बीज। तो उनके लिए एक छोटी सी संगोष्ठी या छोटा सा समिट बुलाया गया था, कहाँ पे, तो ये हुआ है आपकी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया, एकदम आंसर सही लाए थे। 33वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ। राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव ये हुआ है आपके नई दिल्ली में, ठीक है, बिना कुछ सोचे टिक कर देना। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है युवा संसद का आयोजन कहाँ पे हुआ, युवा संसद हुई थी आपके नई दिल्ली में। जितने भी युवा वर्ग हैं अगर कहीं पहुंचाना है तो नई दिल्ली पहुंचा देना। हमारी गवर्नमेंट इस समय एक ही चीज पर फोकस कर रही है कि कैसे भी हमारे जो देश के युवा हैं राजनीति में कदम रखना सीख जाएं, ठीक है, कि भविष्य की राजनीति का निर्माण हो सके, एक अच्छे वक्ता होने चाहिए। इस टाइम पे जो पढ़े लिखे युवा अगर राजनीति में आते हैं एक नई क्रांति चली आएगी, तो इसके लिए नई दिल्ली में बहुत प्रयास चल रहे हैं, ठीक है, आगे चलिए। आसियान शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ है बताओ जल्दी, ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, वो आंसर दे देंगे तो बोलोगे कि सही आंसर आया है, ठीक है, बताओ। राजधानी है ना, जितने भी समिट लेवल अच्छे होते हैं वो नई दिल्ली में होते हैं। 42वां, बहुत बढ़िया, तो ये है आपका 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, 42वां सम्मेलन है, कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। 36वां क्वेश्चन है NTPC, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ध्यान रखिएगा, NTPC का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, ये है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, पावर कॉर्पोरेशन। हमारे पूरे भारत में अगर बिजली बनाने की सबसे बड़ी संस्था की बात करें कि बिजली कहाँ पर बनाया जाता है, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो ये है आपका NTPC। NTPC एक ऐसी कंपनी है जो कि बिजली बनाने की सबसे बड़ी कंपनी हमारे भारत की। कहाँ पे है, तो ये पड़ती है आपके नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नहीं, NTPC के छोटे छोटे हेडक्वार्टर भी अलग अलग राज्यों में होते हैं, बट सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। तो NTPC द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इंडिया, मतलब कि अब हमारी जो NTPC है कैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ज्यादा बिजली बना सकती है, विंड एनर्जी के थ्रू हम बिजली बना ही रहे थे, उसमें और अच्छा काम क्या हो सकता है, इसको लेकर के छोटी सी समिट बुलाई थी। समिट का नाम रखा गया है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया। तो ये कहाँ पर समिट बुलाई NTPC ने, NTPC ने कहा सब नई दिल्ली आओ, हम नहीं जाएंगे, तुम हमारे हेडक्वार्टर चले आओ, ठीक है, ऐसा करके हिलना ना पड़े, समझ रहे हो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ये सम्मेलन हुआ है आपके नई दिल्ली नई दिल्ली बोल थक गए हम नई दिल्ली में, हार गई कुछ हुआ, नई दिल्ली में। तो आपका वन वर्ल्ड वन सन, नहीं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, ये भी बिजली उत्पादन को लेकर के है, पूरा एक तरीके से पूरा विश्व एक साथ आकर के एक तरीके से काम करना शुरू करे, नई दिल्ली में हुआ, छोड़ो। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का तीसरा आयोजन कहाँ पे हुआ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ पे हुआ, ये हुआ पुणे में, अब यहाँ पे नई दिल्ली नहीं है, अब ये क्वेश्चन ठीक है। तो अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ, आपके पुणे में। यहाँ पे है क्या, हमारे भारत में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाओं में जो 23 और 24वीं भाषा है उसे शामिल करने की बात की गई है। और जैसे उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य की कुछ ऐसी लोकल बोली है जिसे उड़ीसा राज्य चाहती है कि आप भाषा के मतलब राष्ट्रीय भाषा में उसे शामिल करिए, तो उसी को लेकर के समय समय पर मीटिंग बुलाई जाती है कि कौन कौन सी ऐसी प्रमुख भाषाएं हैं भारत की जो कि हमें हमारी अनुसूची 8 में शामिल की जा सकती हैं, है ना, और हम हिंदी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसको लेकर के कहाँ पे हुई, आपके पुणे में, ठीक है, पुणे में। CDS क्या है,
CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ऐसी पोस्ट है जो कि आपके भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायुसेना तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों को, जैसे अब किसी भी डिपार्टमेंट के अगर आप हेड से मिलेंगे तो हेड तो समझेगा कि मैं सब कुछ हूँ ना, मेरे ऊपर तो कोई काम नहीं करता है ना। तो इन इन लोगों के बीच में खौफ फैलाने के लिए थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ठीक है, तो इन तीनों सेना के प्रमुखों के बीच में खौफ फैलाने के लिए एक पोस्ट बनाई गई CDS की कि भाई CDS तुमको रेगुलेट करेगा, वो ऑर्डर देगा कि जल सेना में कहाँ पे जाना है, क्या करना है, वायुसेना में क्या होना चाहिए, थल नेवी क्या कर रही है हमारी। तो इन तीनों के ही अध्यक्ष हैं आपके CDS, ठीक है, CDS समझ रहे हैं, पिताजी के पिताजी, ठीक है, हाँ जी। और CDS के ऊपर कौन होते हैं, रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री। और CDS की जो पोस्ट है वो होती है आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत, है ना, हाँ जी। पहले CDS थे आपके क्या नाम था उनका, फिर भूल गई मैं क्या नाम था उनका, जनरल विपिन रावत, हाँ जी, ये फर्स्ट CDS थे। थक गए हम लिटरली, इतनी हिम्मत नहीं है। तो कहाँ पे हुआ आपके वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, हुआ है आपके नवी मुंबई में। स्पाइस कांग्रेस क्या है, जैसे हमारे भारत के जितने भी मसाले हैं ना, तो भारत के सभी मसालों की छोटी सी समिट बुलाई गई थी कि मसालों के व्यापार को और कितना अच्छा कर सकते हैं उसके लिए, तो ये हुई थी आपकी नवी मुंबई में, ठीक है, हाँ जी। देन है आपका कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ये हुआ है आपके दिल्ली में, ठीक, छोड़ो। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, सारे वकील एक जगह मिलकर कहाँ बात किए, नई दिल्ली में, छोड़ दो। आपकी स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, हो सके तो याद कर लेना, इंदौर में, ठीक है, सारे स्मार्ट सिटी का एक छोटा समिट था। हमारे भारत में टोटल कितनी स्मार्ट सिटी बननी है, तो टोटल स्मार्ट सिटी बननी है आपके भारत में 300, टोटल स्मार्ट सिटी कितनी बननी है, 300, ये लक्ष्य भारत का। इन 300 में कितनी बन चुकी है, तो इन 300 में बन चुकी है आपकी करीब 19 या 29, ठीक है, 19 या 29 स्मार्ट सिटी पूरे तरीके से विकसित हो चुकी हैं। लक्ष्य रखा गया है 300 का, तो बहुत सारा निवेश होना है, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी भारत में, ठीक है। बायोगैस वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, भारत में, छोड़ो। आपके भारत का पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये बौद्ध शिखर सम्मेलन ये अलग है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन अलग है। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपके नई दिल्ली में, ठीक है। मैंने कहा ना बौद्ध धर्म का कुछ भी हो सीधे दिल्ली टिक कर देना, ठीक है, बौद्ध धर्म का कुछ भी हो सीधे दिल्ली टिक करना, ठीक। अगला देखो, वैश्विक हल्दी सम्मेलन की बात करें, तो ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा फोकस कर ले तो अच्छा, नहीं तो देख लेना। तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, हल्दी सम्मेलन हुआ है आपके मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। और हाँ, मुंबई से दो चीजें ध्यान रखना, अभी हमने मुंबई में मसाला जो स्पाइस समिट था कहाँ देखा, मुंबई में। हल्दी समिट कहाँ देखा, मुंबई में। तो मसाला और हल्दी कहाँ पहुंचे हैं, मुंबई, ठीक है, हाँ जी। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, मंदिर सम्मेलन इसलिए कि जैसे भारत में अभी हमारा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, फिर हमारे बिहार में आपका विराट रामायण मंदिर बन रहा है, तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, उनके लिए ट्रस्ट बनाया जा रहा है जो उन मंदिरों की व्यवस्था को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ये कहां पर इसका समिट हुआ, आपके वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। रुक जाओ, है ना, हाँ, क्या हुआ प्रज्ञा, बस ये खत्म होने को है। COP28 समिट कहाँ पे हुई, आपके संयुक्त अरब अमीरात में, ये तो पता ही है आपको, देन खत्म। तो ये 49 क्वेश्चन थे जो कि आज के लिए थे, अब पूछो क्या हुआ। हाँ, बिहार में कौन सा मंदिर बन रहा है, बिहार में बन रहा है विराट रामायण मंदिर, ठीक है, विराट रामायण मंदिर। नहीं, मैं बिहार से नहीं हूँ, आप पूछो जो पूछो बता दूंगी, बोलो। मैम कितना फास्ट पढ़ाते हैं, बताओ उज्जवल क्या है, मसाला वाला पुणे नहीं था, मसाला वाला नवी मुंबई था, ना कि पुणे था। अभी दिखा देते हैं, ये रहा, इसका आंसर आपका बी है।
खतरनाक है भाई। अरे हैंग हो रहा है। बोर्ड कहता पढ़ाने नहीं देंगे। एक क्वेश्चन नहीं आया जो मैं ठीक से बता सकूं, या फिर वो अच्छा क्वेश्चन हो। बिहार करंट अफेयर मंथ वाइज पढ़ना शुरू करेंगे, है ना? बिल्कुल, सुबह 7 बजे आपके करंट अफेयर की क्लास होती है, और फिर शाम में 4 बजे आपकी एक छोटी सी क्लास होती है, रिवीजन क्लास होती है, वहाँ पे रह सकते हो आप। 1 तारीख को, 1 जनवरी 2024 को हम पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ेंगे आपकी यूट्यूब पे, है ना, बिहार अड्डा 24/7 सुबह 7 बजे से। एक कमेंट ठीक ठाक नहीं है कि हम उसका आंसर दे सकें, खाली इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें। COP28 समिट UAE में ही हुई है, संयुक्त अरब अमीरात में ही हुई है। अब अगर आप संयुक्त अरब अमीरात को अंग्रेजी में देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ मतलब कि UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात करके कुछ उसका वो है, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे तो शॉर्ट फॉर्म है उसका UAE, और उसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो चाहे आप COP28 की समिट लिख दें संयुक्त अरब अमीरात या लिख दें UAE, दोनों का आंसर एक ही होगा। पता नहीं मुझे, चलो ठीक है, बाय, है ना, बाय। इधर उधर के क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो ठीक है, बाय। धन्यवाद आप सभी लोग का। टाइम चेंज नहीं होगा, करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे ही होगी, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, ठंड कितनी भी पड़ जाए। और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड देख लिया करिए, है ना। और रही बात इस क्लास की, इसकी क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोग का। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा।